तो दोस्तों, आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होता है, आपका घर हो गया या फिर जिसमें कोई रेंट में रहता है, या फिर बिल्डिंग बनाता है रेंट देने के लिए, या फिर आप अपना घर बनाते हैं, तो उस सब का जो है स्टैंडर्ड साइज रूम कितना कितना का होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दिया अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगेगा तो, और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। या देख रहे हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होता है, तरह तरह का होता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक हम आज आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला, बेडरूम। तो दोस्तों, बेडरूम जो होता है जनरली मिनिमम जो होता है 10 फीट इंटू 12 फीट। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो आप उसको 14 फीट टू 16 फीट तक बढ़ा सकते हैं, 16 फीट तक बड़ा करके आप उसको बना सकते हैं लार्ज मैक्सिमम तक। तो जनरली जो है 12 12 या तो 12 14 ही यूज होता है, आपके पास एरिया के अनुसार आप बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़। ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम दोनों ना कह सकते हैं दोस्तों, ड्राइंग और लिविंग रूम का मतलब एक ही होता है। तो उसका जो मिनिमम साइज होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज 14 फीट इंटू 16 फीट। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ा के 18 फीट इंटू 24 फीट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डाइनिंग रूम। तो दोस्तों, डाइनिंग रूम जो होता है आपका मिनिमम जो होता है 12 फीट इंटू 14 फीट, जिसमें आप खाना खाते हैं तो उसको ही डाइनिंग रूम कहते हैं। और अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है या अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 14 फीट इंटू 16 फीट तक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गेस्ट रूम। दोस्तों, गेस्ट रूम तो कभी कभी अगर गेस्ट आता है तो उसको रखा जाता है, ये तो हमेशा के लिए नहीं। तो इसको जो है एक ही स्टैंडर्ड साइज में लिया गया है, 10 फीट इंटू 12 फीट। बरांडा, दोस्तों बरांडा तो होता ही है घर में, उससे क्या होता है कि उसमें घर का एक लुक जो होता है वो भी बढ़ता है, प्लस उसमें कुछ रखा भी जाता है, अगर डायरेक्ट किसी भी तरीके का हिस्सा है तो वहाँ पर ठहरा भी जाता है, तो इसको बरांडा है सब जगह बनाया जाता है। तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों, 6 फीट इंटू 10 फीट। उसके बाद किचन, किचन तो ज़रूरी है किसी भी घर के लिए। तो किचन का जो स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों, मिनिमम जो होता है 8 फीट इंटू 13 फीट, 8 फीट इंटू 13 फीट यानी 13 फीट, और मैक्सिमम होता है अगर आपके पास एरिया है तो आप बढ़ा सकते हैं 10 फीट इंटू 12 फीट। मिनिमम जो होता है किचन आपका 8 फीट इंटू 13 फीट, अगर आपके पास एरिया है तो आप बढ़ा के 10 फीट इंटू 12 फीट कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद देखते हैं पेंट्री। तो दोस्तों, पेंट्री जो होता है आपका खाना बनाने के बाद जो है, आप खाना को जिस रूम में रखते हैं उसी को कहते हैं पेंट्री दोस्तों। तो पेंट्री का स्टैंडर्ड साइज जो है दोस्तों, 8 फीट इंटू 10 फीट। तो इसका एक ही स्टैंडर्ड साइज है, इसी के अनुसार 8 फीट इंटू 10 फीट जो है जनरली बनाया जाता है किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, चाहे आपका घर के लिए हो। उसके बाद देखते हैं स्टोर रूम। स्टोर रूम जो जनरली दोस्तों, जो जहाँ पर सामान रखा जाता है, जहाँ पर सामान रखा जाता है, जो जनरली स्क्वायर टाइप का होता है, तो इसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड साइज है 8 फीट इंटू 8 फीट, इसका मिनिमम है दोस्तों। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ा कर सकते हैं 10 फीट इंटू 10 फीट। ये जनरली होता है स्क्वायर टाइप का होता है, तो इसमें आपका घर का सारा सामान रख सकते हैं। उसके बाद बाथरूम, बाथरूम या वाटर क्लोसेट। तो दोस्तों, बाथरूम और वाटर क्लोसेट में जो है आपका कंबाइंड होता है, सेपरेट दो होता है दोस्तों। तो अगर आप कंबाइंड करते हैं तो आपको मिनिमम जो है 4 फीट इंटू 6 फीट लेना होगा। अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास एरिया है तो 6 फीट इंटू 8 फीट तक बढ़ा सकते हैं। और सेपरेट, अगर आप सेपरेट अगर करते हैं तो बाथरूम सेपरेट और वाटर क्लोसेट सेपरेट तो अदर अलग हो जाएगा। तो बाथरूम अगर सेपरेट करते हैं तो उसका बाथरूम के लिए सेपरेट में बाथरूम होगा आपका 4 फीट इंटू 6 फीट का, और सेपरेट वाटर क्लोसेट यानी टॉयलेट जो होगा आपका दोस्तों 4 फीट इंटू 4 फीट। ये जो है आपका स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद देखते हैं गैरेज। गैरेज जहाँ पे आपको गाड़ी बाइक रखा जाता है, गैरेज या फिर पार्किंग बोल सकते हैं उसको, तो उसका जो दोस्तों स्टैंडर्ड साइज होता है मिनिमम जो होता है 10 फीट
इंटू 16 फीट मिनिमम होता है। अगर आपके पास एरिया हो तो आप बढ़ा के रख सकते हैं 16 फीट इंटू 20 फीट। ये आपका डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया ज़्यादा है या फिर कम है, या फिर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और अंतिम है दोस्तों ड्रेसिंग रूम। तो ड्रेसिंग रूम क्या होता है दोस्तों, जनरली जो है लेडीज़ के लिए बनाया जाता है दोस्तों। सिक्स जो इसका जो ड्रेसिंग रूम का जो स्टैंडर्ड साइज है 6 फीट इंटू 6 फीट 2। अगर आपके पास ज़्यादा एरिया है तो आप 6 फीट इंटू 9 फीट तक बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर नोटिफिकेशन और हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।